की पूछ। पुलिस ग्रैंडपद पुलिस एक बार दोबारा से आ गया है और एक बार दोबारा से ग्रैंड हवलदार आ गई है। तापा तापा बुढ़िया सारी एंट्री खराब कर दी। अरे बच्चा अपना भी आ गया, अभी भी छोड़ लग गया, अभी भी छोड़ लग गया। तो हेलो एडिशन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2 का पुलिस ग्रैंडपा और हवलदार ग्रैनी मोड। अभी मैं जाएगा ना बेड़े। तो जल्दी से भी हम लोग गेम प्ले को शुरू करते हैं। तो करना। तो मैंने डिफिकल्टी को हार्ड पे सेट कर लिया और विथ एक्स्ट्रा लॉक। एक्स्ट्रा लॉक, एक्स्ट्रा लॉक, एक्स्ट्रा लॉक। तो गाइस जब तक गेम प्ले शुरू हो रही है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ टल्ली बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना बाबा। और ये क्या यार, ये घर है या गुफा है? भाई साहब मेरे को तो पूरा जेल वाली फीलिंग आ रही है। और ये देख लो यार स्लेंडरी ना यहाँ पे भी पहुँच गई। तो चलो यार जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अभी मैं डायरेक्ट तो ऊपर बिल्कुल नहीं जाने वाला, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर शोर कर लेते हैं। और अभी भाई निकल लो यार, निकल लो यहाँ से। और वैसा ना कभी कभी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जरूर पड़ा होता है, जैसे कि यार मेरे को आज यहाँ से स्पेशल की मिल चुकी है। तो चलो भाई जल्दी से इसको लेकर हम लोग ऊपर की साइड चलते हैं। लेकिन यार थोड़ा सा मिले क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड पे भी आते ही होंगे। तो ऊपर में नीचे में देख लूंगा। अरे नहीं भाई ग्रैनी तो ऊपर में ही है यार, मैं तो गया आज। बस यार अभी मेरे को ऊपर में ग्रैनी ना मिल जाए प्लीज। यहाँ पे कोई ना कोई ना कोई भी नहीं है गाइस। तो अभी ना इस वाले मैं स्पेशल की को यहीं पे ड्रॉप करने वाला हूँ। और यहाँ पे काफी शोर गया, भागो भाई भागो यहाँ से। तो सबसे पहले मेरे को स्टन गन ढूंढना पड़ेगा। और भाई कभी कभी स्टन गन यहाँ पे पड़ा होता है, बट फिलहाल मेरे को यहाँ पे स्टन गन तो नहीं रेंज जरूर मिल गया है। तो रेंज को मैं यहीं पे ड्रॉप कर लेता हूँ और भाई चलो यहाँ से भी निकलते हैं। यहाँ पे भाई क्रोबर पड़ा हुआ है, वैसे यार क्रोबर हमारी काफी काम आने वाली है। तो चलो भाई इसको लेकर हम लोग उस वाले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और यार ये फिर से यहाँ पे शोर हो गया। ओके जल्दी से बॉक्स ओपन कर दो। भाई यहाँ पे मेरे को कटिंग प्लेयर मिल चुकी है। ये लो यार मैंने यहाँ पे फिर से शोर कर दिया। मेरे को क्यों लग रहा है मैं पिटने वाला हूँ, बट अभी यहाँ पे मेरे को यहाँ से स्टैंड गन मिल चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बाप रे बाप, चुप चुप से निकल लेते हो, क्या मतलब भिड़ो का स्टैंड गन मिल गया? बुढ़िया कहेंगे मेरे से बच के भाग रही थी। चुपचाप से चाबी दे दो ग्रैंडपा। तो जल्दी से भी सिक्योरिटी रूम को ओपन कर लेते हैं। और एक सेकंड भाई मैंने यहाँ पे भी चेक करा ही नहीं। और यहाँ पे क्या है, क्या पैडलॉक की? ओ माय गॉड यार क्या ही लक है मेरा। बात तो सही है। तो अभी तो मैं इस वाली चाबी को यहीं पे ड्रॉप करने वाला हूँ। और आज ना कहीं हम लोग डोर स्किप करने वाले हैं। वैसे मेरे को हार्ड मोड में काफी डर भी लग रहा है, पर अभी ना आप लोग बताओ गाइस क्या मैं इसको फर्स्ट डे में कंप्लीट कर पाऊंगा? नहीं। तो जल्दी से इस वाले गेट को ओपन करते हैं। यहाँ पे देख लेते गाइस क्या है। यहाँ पे भाई मेरे को हैंडबिल मिल चुकी है, तो एकदम आराम से फिर नीचे की ओर चलते हैं। और यार ये बुढ़ा बुढ़े भी 30 सेकंड में वापस आते ही होंगे, तो फिलहाल इसको भी हम लोग यहीं पे ड्रॉप कर लेते हैं बिकॉज हमें यहाँ से स्किप करने के लिए और भी सामान चाहिए होंगे। और अभी तक तो मैंने सिक्योरिटी रूम को अच्छे से चेक करा भी नहीं। तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं। भाई साहब मेरे को यहाँ से और हैंडल मिल चुकी है। तो अभी ना गाइस हमारे 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं और अभी तक तो ग्रैंड ग्रैंड पर दोनों के दोनों वापस आ चुके होंगे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करके थोड़ी सी शोर कर लेते हैं ताकि ये शोर सुनो ग्रैंडी यहाँ पे आ जाए। और हाँ अभी ना गाइस मेरे को वायर कट करने के लिए कटिंग प्लायर चाहिए होगा और कटिंग प्लायर यहाँ पे पड़ी है। और भाई ये यहाँ पे कैसे आ गई? मैं तेरे को नहीं मारूंगा। आप समय इस बुढ़िया के षड्यंत्र में बिल्कुल नहीं फंसने वाला। अभी ना मैं डर के मारे थोड़े पैंट में सुसु कर दिया था। अरे भाई ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? ए चुप कर बुढ़िया, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। तो आप लोग ना मेरे से प्रॉमिस करो कि आप लोग ये वाला बात किसी को नहीं बताएंगे और ये वाली सीक्रेट मेरी और डीएचएन फैमिली के बीच में ही रहेगी, वरना मैं रो देगा रे बाबा। यहाँ पे मैं भी ट्रैप लगा देती हूँ, देखो बेटा के फंस जाएगा। हाँ मैं इतना गधा दिख रहा हूँ ना कि मैं इसमें फंस जाऊँ। अभी तो मेरे को मन करा ग्रैनी को पीछे से टपली मार दूँ, लेकिन गाइस अभी ग्रैनी के पास डंडा भी है ना गाइस, तो इसलिए मेरे को ग्रैनी को मारने के लिए अभी स्टन गन चाहिए होगा। ये देख लो यार गंजी ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला रही है। हाँ 10 बार बोलूंगा गंजी ग्रैनी। तो अभी ना इस कमेंट में सब लोग गंजी ग्रैनी लिख दो ताकि इस गुड़िया को पता चल जाए कि हमारी डिटेंशन फैमिली इनसे बिल्कुल नहीं डरती। तो सब लोग लिखोगा इस गंजी ग्रैनी। और अभी ना सब लोग कमेंट में गंजू ग्रैंड पर लिख देना। तो लास्ट टाइम मैंने कटिंग प्लेयर को यहीं पे ड्रॉप करा था, तो जल्दी से इसको उठाते हैं, पेंटिंग को हटा लेते हैं और बस मेरे को ये वाला वायर कट करना। ओके डन गाइस। तो चलो यार अभी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। और भाई अभी मेरे को काफी डर लग रहा है क्योंकि 30 सेकंड में ये लोग अभी वापस से आ जाएंगे और इतना जल्दी तो मैगी भी नहीं बनता रे बाबा। तो लास्ट टाइम मैंने ना यहाँ पे एक हैंडविल ड्रॉप किया था, तो इसको भी हम लोग अभी नीचे की ओर ड्रॉप कर लेते हैं। तो अभी ना मैं सारा सामान को ऐसे ही करके मैं नीचे ड्रॉप कर लूंगा और अभी बस इस वाले पैडलॉक की बाड़ी और इसको ड्रॉप करते हुए नीचे में अभी काफी शोर हो गया है और ये सोर्स में ग्रैनी अभी नीचे की ओर जाएगी और फिर क्या गाइस हम लोग अपना आराम से स्टन गन को उठा सकते हैं। तो फाइनली हमारे हाथ में स्टन गन आ चुका है, तो थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग शोर कर लेते हैं ताकि ग्रैनी यहाँ पे आ जाए। हाँ फिर निकल भी लो।
बड़ा ही थी मेरे को मारने। पता नहीं अभी ग्रैंडपा कहाँ पे कैंपिंग कर रहे होंगे। बस यार अभी इस साइड से ना आ जाए। बेटा तू तो गया, मेरा हवलदार को मारता है। अरे हवलदार को छोड़ो, ग्रैंडपा भी आपको भी मारेगा। स्टैंडगन मार के मेरा पात निकाल दिया। तो फिलहाल मेरे को ग्रैंड ग्रैंडपा 30 सेकंड के लिए बिल्कुल नहीं परेशान करने वाले। तो चलो यार अभी जल्दी से हम लोग नीचे कर चलते ना गाइस, वरना ये बुड्ढा बुढ़िया भी वापिस से आ जाएंगे रे बाबा। तो अभी ना गाइस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉक लगा पड़ा होगा, जिसको भी खोलने के लिए मेरे को स्पेशल की चाहिए होगी। और ये देख लो स्पेशल की यहाँ पे पड़ी है। तो अभी क्या गाइस इसको जल्दी से लेकर हम लोग को यहाँ पे लगाना है, एंड इससे ना ये वाला हमारा लोकेशन ओपन हो जाएगी। और फिलहाल मेरे को यहाँ से स्किप करने के लिए सारा आइटम मिल चुका है। तो जल्दी से यहाँ पे पड़े हैंडविल को उठाते हैं, यहाँ से निकलते हैं गाइस। और एक सेकंड भाई, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यार मैं तो भूल ही गया, मुझे इस गेट को ओपन करने के लिए भी रेंच भी चाहिए होगा, जो कि फिलहाल यहाँ पे पड़ा है गाइस। और भाई साहब लगता कोई तो नीचे आ रहा है गाइस, यार फुटस्टेप तो और बढ़ता ही जा रहा है। तो जल्दी से इसको उठा के यहाँ से निकलते ना गाइस। ओके डन गाइस, तो मैंने यहाँ गाइस क्रू को भी हटा दिया। तो मुझे ना भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा भी दोनों के दोनों वापिस आ चुके हैं। तो मैं ना अभी सबसे पहले इस वाले प्लैंक को हटा लेता हूँ। तो अभी इसको हटाते हैं ना, अभी बस इसको हटाना है। और भाई यहाँ पे काफी शोर हो गया, पक्का भी ग्रैनी यहाँ पे आएगी। और अभी ना इससे पहले ग्रैनी यहाँ पे आ जाए, जल्दी से अपना स्टन गन को उठा लेते हैं। ओ ग्रैनी किधर हो आप? अबे यार मेरे को काफी डर लग रहा है, कहीं बुढ़िया मेरे को पीछे से आके थप्पड़ दे दे। यार ये ग्रैनी तो सच में नाचने लग गई। यार फिलहाल ग्रैनी को छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडपा भी आते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता वो किधर से आएंगे। वैसे भाई मैं इतना क्यों डर रहा हूँ, जल्दी से इसको उठाते ना, यहाँ से निकलते ना गाइस। प्लीज ग्रैंडपा भी सरप्राइज मत दे दियो, प्लीज प्लीज ग्रैंडपा यहाँ पे। ओके यहाँ पे कोई भी नहीं है गाइस, लगता है ग्रैंडपा मेरे से डर गए। ओके तो लेट्स गो गाइस। तो अभी मुझे इसको यहाँ पे प्लेस करना है, और एक सेकंड आई थिंक इसको घुमाना भी पड़ता है। तो फाइनली हमारा ग्रिल भी ओपन हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे काफी शोर कर दिया, ताकि शोर से ग्रैंडपा नीचे क्यों आ जाए। भैंस की पूछ भैंस की टांग, आज मैं देसी बेटों को नहीं छोड़ूंगा। बुढ़ाओ कहेंगे पहले पकड़ तो ले। एक तो हम लोग उसके पीछे से चले गए और उनको पता ही नहीं चला कि ग्रैंडपा क्या गुंडा बनेगा रे बाबा। तो मुझे ना गेट पे लगाने के लिए डोर हैंडल चाहिए होगा, और ये रहा गाइस हमारा डोर हैंडल। और आई थिंक अभी हमारे 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब गाइस अभी ग्रैनी भी वापस आ चुकी है। तो थोड़ा सा भी बच के गाइस, तो मुझे यहाँ से स्किप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गाइस पैडलॉक की चाहिए होगी, और ये रही गाइस हमारी पैडलॉक की। और फिलहाल मेरे को यहाँ से इतना शांति से जाने का मन नहीं कर रहा, तो क्यों ना यहाँ पे फिलहाल थोड़ी सी भसड़ मचाया जाए। तो स्टन गन को ड्रॉप करके यहाँ पे थोड़ी सी शोर कर लेते हैं। तो एक बार और ड्रॉप कर लेते हैं, और अभी बस इतना काफी हो गाइस। फिलहाल मेरे को ये सोच के डर लग रहा कि दोनों के दोनों एक साथ ना आ जाए। ये देख लो भाई सस्ते नशे करके आ गई है बुढ़िया। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा इनको बचाने वाले हैं। भैंस की पूछ भैंस की टांग, अबे यार ये तो सच में आ गए। गंजे ग्रैंडपा के सरगंध से बचना मुश्किल है ना मुमकिन है। अरे बाप रे बाप, करंट लगा के मेरा पाद निकाल दिया। तो अभी जल्दी से यहाँ से निकलते गाइस, क्योंकि ये लोग अभी दोबारा से आ जाएंगे, और मेरे को ये लोग से दोबारा पंगा नहीं लेना। अरे बाबा, अरे ग्रैंडपा ये तो फिर से भाग गया। ग्रैनी टेंशन मत ले, नेक्स्ट स्केप में हम लोग विलन को बुलाएंगे। ए विलन, आई लव यू विलन। घर की बड़ा निकल गया, बड़ा विलन विलन करने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना।